Dear students, today we are going to discuss about pteridophyte general characteristics. Pteridophytes are considered as the first plant to be evolved on land. ऐसा माना जाता है कि लाइफ की शुरुआत ओशियन से हुई और फिर कई सालों के बाद धीरे धीरे लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स का वो एडेप्टेड हो गया टू द ड्राई लैंड. कि एल्गी है वो वाटरी हैबिटेट के अंदर ग्रो करती है, फिर ब्रायोफाइट्स आए जिनकी कुछ स्टेजेस हैं वो वाटर के अंदर स्पेंड होती हैं और कुछ स्टेजेस हैं वो ड्राई लैंड पे. पर ट्रेडोफाइट्स फुली ऐसे प्लांट्स थे जो ड्राई लैंड पे ग्रो करते हैं. एंड अमंग द फर्स्ट ऑफ द प्लांट्स टू ट्रूली लिव ऑन लैंड वर द ट्रेडोफाइट्स. कि पहले ऐसे पादप वर्ग था, पहला ऐसा प्लांट किंगडम था ये ट्रेडोफाइट्स जो ड्राई लैंड के ऊपर ग्रो करता है. दे आर क्रिप्टोगेम्स, सीडलेस एंड वेस्क्यूलर. कि क्रिप्टोगेम्स हैं, अपुष्पी पादप होते हैं, सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं बनते हैं. तो फिर ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं जब सीड ही नहीं बनते? इनमें सीड ना बन करके स्पोर्स डेवलप होते हैं, तो ये स्पोर्स के थ्रू जनन करते हैं. और वेस्कुलर सिस्टम इनमें, ये पहले ऐसे प्लांट थे, पादप जगत का पहला ऐसा वर्ग था जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ. लेकिन इनके वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं. द प्लांट बॉडी हैज़ ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. इनकी प्लांट बॉडी ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स के अंदर, जैसा कि हमने देखा ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स मिलते हैं, ट्रू रूट एब्सेंट होती हैं. लेकिन टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट ग्रुप है जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं. स्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजिया. स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं. स्पोरेंजियम बीजाणुधानी एक ऐसा अंग होता है जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं. और बीजाणुधानियाँ दो तरह की होती हैं ट्रेडोफाइट्स में, होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस. होमोस्पोरस मतलब कि उसमें सारे स्पोर्स एक ही जैसे होते हैं, समान तरह के होते हैं. और हेटरोस्पोरस का मतलब टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं. स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स ऑफ स्पोरोफिल्स. स्पोरेंजिया जिन लीव्स पर, जिन पत्तियों पर ग्रो करती है उनको स्पोरोफिल बोलते हैं. तो स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया ग्रुप में डेवलप होती हैं. लीव्स दैट बियर द स्पोरेंजिया आर टर्म्ड एज स्पोरोफिल्स. कि वो पत्तियां जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं उनको स्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है. द टिप ऑफ द लीव्स टेंड्स टू कर्ल इनवर्ड टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रूविंग पार्ट. इन लीव्स की जो टिप होती है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है और वल्नरेबल ग्रूविंग पार्ट होता है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, हार्म होने से बचाती है. सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर. टेरिडोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं. द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया वाइल द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्किगोनिया. नर जनन अंग एंथ्रीडिया कहलाते हैं और मादा जनन अंग को आर्किगोनिया बोला जाता है. दे शो ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस. द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द गेमिटोफाइट जनरेशन आर ऑब्जर्व इन टेरिडोफाइट. अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण का पाया जाना. टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है. पीढ़ी एकांतरण स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन के बीच में होता है. द डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी. टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है डिप्लोइड स्पोरोफाइट. इससे पहले हम देख रहे थे कि डोमिनेटिंग जो स्टेज होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो हैप्लोइड थी एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में. और डिप्लोइड प्लांट बॉडी उस पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती है. लेकिन यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी डिप्लोइड स्पोरोफाइट होता है जो कि डोमिनेंट स्टेज होती है प्लांट के लाइफ साइकिल में. और हैप्लोइड स्टेज न्यूट्रिशन के लिए डिप्लोइड स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है. इसलिए कहा गया है द डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज़ द मेन प्लांट बॉडी. कि इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है और डिप्लोइड स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है. थैंक यू.